नेपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मांडवा में पिछले दिनों संभल कार्डधारी लोगों के साथ में ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें 8 लोगों के फर्जी संभल कार्ड बनाकर सरपंच तुलसीराम अलावे उप सरपंच संजय जाधव और सचिव सुनील पटेल के द्वारा 16 लाख का गबन किया गया था, जिसमें जिला पंचायत CEO सृष्टि देशमुख ने मांडवा के तत्कालीन सचिव सुनील पटेल को सस्पेंड कर दिया था और सरपंच तुलसी राम अलावे उप सरपंच संजय जाधव के खिलाफ कार्रवाई कर FIR करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत मांडवा की जांच करने के लिए जनपद पंचायत खकनार से जांच अधिकारी राजेंद्र भाड़े पंचायत समन्वयक को ग्राम पंचायत मांडवा भेजा गया था और उनके द्वारा जाँच कर जाँच रिपोर्ट जिला कलेक्टर भव्य मित्तल जी, जिला पंचायत CEO सृष्टि देशमुख को सौंपी गई है और जिला पंचायत के द्वारा सरपंच तुलसीराम अलावे और उप सरपंच संजय जाधव सचिव सुनील पटेल से 16 लाख रुपए की राशि वापस रिकवरी कर जनपद पंचायत खकनार में जमा करा दी गई है। लेकिन शिकायतकर्ता रेमा जाधव का कहना है कि आज तक सरपंच तुलसीराम अलावे और उप सरपंच संजय जाधव सचिव सुनील पटेल के खिलाफ FIR नहीं की गई है और न ही लोगों को उनके पद से हटाया गया है। शिकायतकर्ता रेमा जाधव का कहना है कि उनको बचाने के लिए बड़े बड़े नेता और अधिकारी लगे हुए हैं, जिससे कि उन पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। शिकायतकर्ता उन पर FIR दर्ज करवाने के लिए आए दिन जिला पंचायत और कलेक्टर कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। उसी संबंध में दिनांक 25 जुलाई 2024 गुरुवार को भी दोनों पक्षों को जिला पंचायत कार्यालय बुरहानपुर में बुलाया गया था और जिला पंचायत CEO सृष्टि देशमुख के द्वारा बताया गया कि जल्द ही इन पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी और उनको तत्काल अपने पद से हटाया जाएगा। शिकायतकर्ता जाधव का कहना है कि जल्द से जल्द सरपंच तुलसीराम अलावे, उप सरपंच संजय जाधव और सचिव सुनील पटेल पर FIR दर्ज कर इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इस संबंध में आज जिला पंचायत बुरहानपुर से शिकायतकर्ता रेमा जाधव, मोहन जाधव और बादशाह जाधव, प्रेमलाल जाधव ढाबा अलावे प्यार सिंह रावत और नान सिंह रावत आदि उपस्थित थे। एक प्राथमिक जांच हुई है जिसमें 8 लोगों को गलत तरीके से अनुग्रह सहायता वहाँ की पंचायत ने दी है। इसमें मुख्यतः वहाँ के सरपंच, उप सरपंच और सचिव, जो पूर्व सचिव है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है और इसकी विस्तृत जांच करके कार्रवाई करने के लिए सीओ जिला पंचायत अधिकृत है। तो सीओ जिला पंचायत ने अपने न्यायालय में एक सेक्शन 89 का केस किया है, पूरे 16 लाख की वसूली करेंगे और क्योंकि पद का दुरुपयोग प्रतीत हो रहा है इसमें, तो सरपंच उप सरपंच को मौका देके उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें सेक्शन 40 के भी नोटिसेस सीओ जिला पंचायत द्वारा जारी किए गए हैं। सचिव क्योंकि प्राइमा फेसी इसमें उसकी भी उसमें DSC लगती है, उसके भी हस्ताक्षर होते हैं, इसीलिए उसको सस्पेंड किया गया है। उसकी जाँच चल रही है, उसकी भी DE की प्रोसेस के थ्रू जैसा भी पता चलता है। तो यदि ये वित्तीय अनियमितता क्योंकि बहुत ही इस श्रेणी की गलती है जिसमें पनिशमेंट हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए, तो अगर ये विस्तृत जांच में भी प्रूव हो जाता है तो सभी को पद से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जो धुनकोट क्षेत्र है आदिवासी, प्रवीण चौधरी की रिपोर्ट।